वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ततो जयं मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। 28वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी महाराज और उनकी पत्नी अर्ची दोनों चले गए और उनके बात का वर्णन चल रहा है। स वंचितो वत आत्मदृक् कृच्छेणा महता भुवि लब्ध अपवर्गम मानुष्यम लब्ध अपवर्गम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। मेरे साथ सवंचितो वत आत्मदुख कृच्छेणा महता भुवि लब्ध अपवर्गम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। शब्दार्थ है सह, वह वंचित, ठगा गया। बड़ा अच्छा लिखा। वह निश्चय ही आत्मध्रुव, अपने से ईर्ष्या करने वाला, कृच्छेण कठिनाई से, महता महान कार्यों से भूवि, इस संसार में लब्ध्वा पाकर अपवर्ग्यम मोक्ष का मार्ग मानुष्यम मनुष्य के शरीर में, विषयेष इंद्र तृप्त के कार्य में, वासनाओं में विसर्जते लगा रहता है। मनुष्य योनि में उसका उपयोग नहीं कर पाया। जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्य को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष पाने का एक अवसर होता है, से शरीर पाना, मनुष्य का शरीर पाना एक अवसर होता है आपका भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन उसमें अगर हम ऐसे कर्म में लग जाएं, बहुत संघर्ष में, क्योंकि भौतिक जगत में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसमें अगर लगे रहें, खाली खाली उसमें लगे रहें, तो क्या है, कठिन सकाम कर्म को करता है, करते हैं हम, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। हम अपने लिए ईर्ष्यालु हैं और हम खुद ही ठगे गए। सबसे खराब होता है कि हम अगर ठगे गए कभी, जो हमने समझा वह नहीं, कुछ और कर लिया, तो आप समझते हैं ठगा गया। तो ये बहुत ही अच्छा लिखा है। मनुष्य योनि मिला, जैसे आप जानते हैं कितने, कुछ तो आपके कर्मों के प्रारब्ध से मिला होगा हम लोगों को, कुछों को ये 84 लाख घूमने के बाद मिला होगा, भगवान अवसर देते हैं, अरे ले मनुष्य बन जा, देख ले आ सकता है तो आ जा, घर वापिस आ जा। तो उसको मनुष्य योनि मिलकर के अत्यंत संघर्ष करके इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए ही कह रहा हूं ही, अगर रहा तो वो ठगा गया। He is being cheated. He or she is being cheated. किसके द्वारा? खुद के द्वारा। खुद मतलब ईर्ष्या किससे? खुद से। किसका नाश किया? अपने का। ये इसलिए भक्ति में नहीं लगा तो ये ऐसा होता है, ये कहा गया। मेरे साथ पढ़िए। जो मनुष्य संसार में, जो मनुष्य संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर, और जो मनुष्य का शरीर पाकर, ये शरीर किस लिए है, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है। हाँ, ये एक कॉमा होना चाहिए था,
शरीर पाकर कॉमा और अवसर होता है कॉमा होना चाहिए था, उन्होंने कॉमा की जगह लाइन, ये कोई बात नहीं। कठिन से काम कर्म में लगा रहता है, तो उसे ठगा गया, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए, तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। तात्पर्य माता हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को, शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, इस संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त हो ले। कर्मी जन अत्यधिक कठिन कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं और इसीलिए वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगरों का निर्माण कराते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजें करते हैं। दूसरे शब्दों में वे उच्चतर लोगों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं। इसी प्रकार योगी ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग की कठिन साधना करते हैं। ज्ञानी लोग भौतिक प्रकृति के फंदे में छूटने के लिए चिंतन में मन मग्न रहते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्यों में संलग्न रहता है, किंतु वे सभी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न माने जाते हैं, क्योंकि वे भौतिक आसक्ति अस्तित्व के लिए कोई न कोई सुविधा चाहते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता 7.23 में घोषणा की है, अंतवंतु फलम तेषाम। जो लोग देवता की पूजा करते हैं उनके फल सीमित तथा क्षणिक हैं। इस तरह योगियों कर्मियों तथा ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक हैं। यदि नहीं कृष्ण कहते हैं, यही नहीं कृष्ण कहते हैं, तद भवत्य अल्पमेधसाम, वे केवल अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए है। विषय शब्द इंद्रिय तृप्ति का सूचक है। कभी सीधे कहते हैं कि उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, योगियों को भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किंतु किंचित उच्च कोटि वे योगाभ्यास के द्वारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार वे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बनने में सफल होने का प्रयास करते हैं, अथवा पृथ्वी जैसे लोक की सृष्टि देखना चाहते हैं। वे विज्ञानी बनकर अनेकानेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार करना चाहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के तदात्म्य चाहते रहते हैं। इस प्रकार इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में इंद्रिय तृप्ति रहता है, किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त नहीं होते। वे तो भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करके संतुष्ट हो लेते हैं। यद्यपि वे सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हैं, तो भी उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे प्राप्त न कर सके, क्योंकि वे भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। देवताओं की पत्नियां इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वांछित कहकर भर्त्सना करती हैं। जो इस प्रकार कर्म में लगे हैं वे निसंदेह आत्महा अर्थात अपनी हत्या आप करने वाले हैं। श्रीमद भागवत 11.20.17 में कहा गया है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वते रित्तम पुमान भवाभदिम नरेतः स आत्महा। जब मनुष्य को कोई विशाल सागर पार करना होता है तो उसे एक सुगढ़ नाव की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए मानव शरीर एक उत्तम नाव स्वरूप है। मनुष्य जीवन में गुरु अच्छे नाविक का काम करता है। श्री कृष्ण की कृपा से अनुकूल हवाएं भी मिल जाती हैं, जो श्री कृष्ण का उपदेश तुल्य है। मनुष्य शरीर नाव है, श्री कृष्ण का आदेश अनुकूल हवाएं हैं और गुरु नाविक है। गुरु जानता है कि पाल को कैसे साधा जाए कि वो हवा अनुकूल रहे और गंतव्य तक नाव खेले जाए किंतु यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो वह मनुष्य जीवन
वृथा नष्ट हो जाता है। समय तथा जीवन का नष्ट करना आत्मघात जैसा है। इस श्लोक में लब्धवाप वगर्यम महत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार अपवर्गयम शब्द अपवर्गयम अथवा मोक्ष का पथ निर्गुण ब्रह्म में लीन होना नहीं अपितु सालोक्यादि सिद्धि है, जिसका अर्थ है उस लोक को प्राप्त करना जिसमें भगवान निवास करते हैं। मोक्ष पांच प्रकार के हैं, जिनमें से सायुज्य मुक्ति भी एक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर में या निर्गुण ब्रह्म के तेज में लीन होना। क्योंकि ब्रह्म तेज से भौतिक आकाश में गिरने की आकांक्षा बनी रहती है, इसलिए शील जीव गोस्वामी उपदेश करते हैं कि इस मानव जन्म में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना होना चाहिए। सवंचित शब्द सूचित करता है कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर यदि वह भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करता तो सचमुच ही वह ठगा जाता है। समस्त अभक्त भगवान के धाम वापस जाने में रुचि न रखने के कारण शोच है, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कार्य के लिए नहीं, प्रश्न यहाँ पर आता है जो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रभुपाद ने समझाने की कोशिश की है। वास्तव में अपनी आत्महत्या करने जैसा है अगर हम भक्ति के मार्ग की तरफ पीठ लगा दें। अगर इसी लिए मनुष्य योनि मिली फिर 84 लाख में चले गए, कितनी महान गलती है। एक जरा सा भूल के कारण आपको फिर 84 लाख में घूमना है। तो इसलिए क्योंकि आप भौतिक जगत में आप संघर्ष करना पड़ता है, हम सब बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ हमको एक चीज मिलती है, फिर और बड़ी मेहनत करते हैं दूसरी चीज मिलती है। ये चीज कौन है जो हमको भौतिक जगत में रहने के लिए खाने पीने के लिए सुविधा चाहिए है, लेकिन भक्ति के साथ हो ये चीज। और प्राइम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए भगवान की भक्ति है, उसको नहीं छोड़ना है। उसको लेते हुए सब करिए, कोई गलत नहीं। आप अगर कोई चीज जुटाते हैं और सिर्फ ये समझ के कि भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ये वो खाली नकली नहीं, पाखंडीपन नहीं होना चाहिए। आप बाजार जाके सामान खरीद के लाते हैं तो आपके मन में है तो भगवान का भोग बनाऊंगा, मन में ये रखिए। कोई भी काम, फूल लाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, ये लाते हैं भगवान के लिए इस्तेमाल करूंगा, करिए। उसके बाद आपका भी होता है, आप प्रसाद भगवान को अर्पित करते हैं, आप ही तो खाते हैं, है ना। इसी तरह से आप भगवान आपके घर में हैं, भगवान आप घर को साफ करिए, क्योंकि भगवान का घर है, वो भगवान रहते हैं उसमें। आप अपने को केयर टेकर समझिए, हम केयर टेकर ही हैं क्योंकि हम परमानेंट तो है ही नहीं। तो इस तरह से अपनी समझ को चेंज करते हुए रहिए भी, और भक्ति में लगे। देखिए भक्ति में जरा सा भी लगे फिर भी गलती करी, अगला जन्म मनुष्य का तो अवश्य मिलेगा, फिर भगवान फिर चांस देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जितने लोग आप देखते हैं बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़ा उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये अध्यात्म में जीरो शून्य दुख होता है। कोशिश करिए कि उनको थोड़ा सा कि एक माला तो जपे, तो लोग को माला जपने में इंसल्ट फील होती, वो अपना बेइज्जती समझते हैं। ये किसी तरह उनको बताइए ये करके आपने एक को भी भगवत भक्ति की तरफ, एक ने भी माला जपना शुरू कर दिया, फिर हाथ में प्रभुपाद की भगवत गीता पकड़ा दीजिए, खर्च करिए 250-300 रुपया जितने में भी आती है, भगवत गीता एक उपहार दे दीजिए। दिसंबर के महीने में मैराथन होता है, प्रभुपाद ने कहा है, तो एक गीता उनको गिफ्ट कर दीजिए, आप पढ़िए, माला जपिए, पढ़िए, पढ़ते 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 अगर उनको आनंद आएगा वो माला को बढ़ाएंगे। फिर कभी जाइए उनके पास प्रसाद दे करके,
तो ऐसे पूछे, ऐसे आप दो चार लोगों को भी इंड्यूस कर सकते हैं भक्ति में, उनका जीवन सफल हो जाता है और आपसे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। मैत्रेय वाच स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यम वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्राप अच्युत आश्रयः। मेरे साथ पढ़िए, मैत्रेय वाच स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यम वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्राप अच्युत आश्रयः। शब्दार्थ है मैत्रेय वाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा स्तुवतीषु स्तुति कर रही अमर स्त्रीषु देवताओं की पत्नियों द्वारा पति लोकम जिस लोक में पति गया था गता पहुंचकर वधु पत्नी यम जहां वा अथवा आत्मविदाम स्वरूप सिद्ध पुरुषों का धुर्यः सर्वोच्च वैन्यः वैन का पुत्र पृथु महाराज प्राप्त किया अच्युत आश्रय भगवान का आश्रय। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा हे विदुर जब देवताओं के पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थीं तो अर्चि ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे, पत्नी भी वहीं पहुंच गए। ये हो सकता है दोनों वो पुरुष हो ये नारी हो, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ पढ़िए, मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो अर्चि ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहाँ उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज उनको पहुँच चुके थे। देखिए वहीं पहुंच गई, तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण रश्मि माता जी हरे कृष्ण सुधा माता जी हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। पढ़िए पढ़िए माता जी। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति की जलती चिता में भस्म हो जाती है वह उसी लोक में जाती है जिसे उसके पति ने प्राप्त किया। इस भौतिक जगत में पितृलोक के ही समान पति लोक भी है किंतु इस श्लोक में पति लोक इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक का सूचक नहीं है क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण महाराज पृथु अवश्य ही श्री भगवान के धाम वापस गए होंगे और उन्होंने वैकुंठ लोक में से एक को प्राप्त किया होगा। महारानी अर्चि भी पति लोक गई किंतु ये लोक इस भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है क्योंकि वे वास्तव में अपने पति के लोक में गई। इस भौतिक संसार में भी जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है तो वह अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिलती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महारानी अर्चि वैकुंठ लोक में जाकर मिले। वैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य हैं किंतु ना तो वहां विषय भोग संभव है ना ही संतान उत्पन्न करना। वैकुंठ लोक के पति पत्नी असाधारण सुंदर होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं किंतु विषयी जीवन नहीं बिताते। क्योंकि पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति तथा श्री भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं अतः वे संभोग को आनंददायक नहीं मानते। शील भक्ति विनोद ठाकुर का भी कहना है कि इस भौतिक संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहकर
तथा अपने घर में श्री भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ लोक का सा जीवन बिता सकते हैं। इस प्रकार उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। जो भक्ति में उन्नत है वह कभी भी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित नहीं होता और जो ही वह विषयी जीवन से विरक्त हो जाता है तो ही वह अपेक्षा श्री भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है। वह अपने आप को वैकुंठ लोक में निवास करता अनुभव करता है। आखिर भौतिक जगत नाम का कोई जगत नहीं है, किंतु जब मनुष्य श्री भगवान की सेवा भूलकर अपनी इंद्रियों की सेवा में तल्लीन रहता है तो ये कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में रह रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सही बात। अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने तभी है जब इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगो भौतिक जगत, और इंद्रिय तृप्ति से आदमी, क्योंकि भौतिक जगत का सबसे बड़ा आनंद इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है, माना जाता है। भौतिक आनंद ये कहते हैं सबसे बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा आनंद आ जाए किसे भगवान से जुड़ के, तो ये आनंद बहुत तुच्छ लगने लगता है। इतने महान महान जो महापुरुष हुए हैं ये उनका कहना है, क्योंकि उन्होंने देखा है, वो आनंद उन्होंने लिया, प्रभुपाद ने लिया। प्रभुपाद ने तो ग्रस्त भी देखा और ये अध्यात्म पे भी देखा। प्रभुपाद इसको भाउस कर सकते हैं, उनको पता है। तो ये जीवन हमारा ग्रस्त जीवन खराब नहीं है, लेकिन ग्रस्त जीवन में इंद्र तृप्ति के पीछे लगा रहना अपनी आत्महत्या करना जैसा है, ये बताया गया। इत्थम भूत अनुभावो असौ, इत्थम भूत अनुभावो असौ ऋतुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितं उद्दाम चरितस्य ते उद्दाम चरितस्य ते। मेरे साथ इत्थम भूत अनुभावो असौ, इत्थम भूतानुभावो असौ ऋतुः स भगवत्तमः, ऋतुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितं, कीर्तितं तस्य चरितं उद्दाम चरितस्य ते उद्दाम चरितस्य ते। शब्दार्थ है इत्थम भूत, इस प्रकार अनुभव अत्यंत महान शक्तिमान असौ उस पृथु राजा पृथु स वह भगवत तमः स्वामी में श्रेष्ठ कीर्ति तमः वर्णित तस्य उसका चरितम चरित्र उदाम अत्यंत महान चरितस्य ऐसे गुणों से युक्त ते तुमसे। मैत्रेय ने आगे कहा भक्तों में महान राजा महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया है। विदुर को कह रहे हैं मैत्रेय मुनि, मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने आगे कहा भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार और उनका चरित्र उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथा संभव तुमसे उसका वर्णन किया है। ये कह रहे हैं मैत्र मुनि विदुर को, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य इस श्लोक में भागवतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवत शब्द विशेषताया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रयुक्त होता है और भगवान शब्द इसी भागवत से निकला है। किंतु हम देखते हैं कि कभी कभी भगवान शब्द ब्रह्मा शिव तथा श्री नारद मुनि जैसे महापुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात महाराज पृथु के साथ भी है।
जिन्हें यहाँ पर भगवानों में श्रेष्ठ कहा गया है। किसी भी मनुष्य को इस प्रकार तभी संबोधित किया जा सकता है जब उसमें अद्वितीय तथा असामान्य गुण हो, अथवा जिसने प्रकट होने पर उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किया हो, अथवा जो ज्ञान तथा ज्ञान में अंतर जानता हो। दूसरे शब्दों में भगवान शब्द का प्रयोग समान पुरुषों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल, ये अच्छा लिखा लास्ट में, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है जी भगवान जी भगवान जी भगवान जी भगवान, वो ऐसा कहते हैं किसी को दूसरे को। तो असाधारण पुरुष के लिए भगवान शब्द यूज नहीं होना चाहिए, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। यदम समूहत पुण्यम श्रद्धया अवहित पठे श्रावये शुणु याद वा अपि सप्रथो पदवीम याद। मेरे साथ यदम सुमहत पुण्यम श्रद्धया अवहित पठे श्रावये शुणु याद वा अपि सप्रथो पदवीम याद। शब्दार्थ है यह जो इदम इस सुमहत अत्यंत महान पुण्यम पवित्र श्रद्धया श्रद्धा समेत अवहित ध्यान पूर्वक पठे पढ़ता है श्रावये व्याख्या करता है सुनता है वा अथवा अपने निश्चय ही सह वह व्यक्ति पृथु राजा पृथु के पदवीम पद को याद प्राप्त करता है। आप सभी इसके भोगी हैं, इसके हकदार हैं। ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है, आपने पढ़े हैं सुने भी हैं, या स्वयं सुनता है अथवा अन्य को सुनाता है, वो अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है, यानी भगवत धाम। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम वापस जाता है। मेरे साथ पढ़िए, बड़ी अच्छी खुशखबरी है हम लोगों के लिए। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक ये सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा तथा ध्यान अंडरलाइन। श्रद्धा नहीं है तो तब नहीं जा सकते, श्रद्धा है और बड़ा ध्यान पूर्वक सुना राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है, या स्वयं सुनता है अथवा अन्य को सुनाता है। कैसे? श्रद्धा और ध्यान पूर्वक वो अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। वो अवश्य महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है, अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण अत्री माता जी, हरे कृष्ण तत्पर शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा भक्ति करते समय श्रवण की तनंग विष्णु पर विशेष बल दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति का प्रारंभ श्री विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने से होता है। जब हम भगवान श्री विष्णु का उल्लेख करता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जो जो श्री विष्णु से संबंधित है उन सबका भी हम संदर्भ ले रहे हैं। शिव पुराण में शिव ने विष्णु पूजा को सर्वोच्च पूजा बताया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णव या श्री विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। यहाँ तक तथ्य बताया गया है कि वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन श्री विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान ही है, क्योंकि श्री मैत्रेयी मुनि ने बताया है जो कोई ध्यान पूर्वक महाराज पृथु के विषय में सुनता है उसे भी महाराज पृथु को मिलने वाले लोक प्राप्त होता है। श्री विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है। इसे
अद्वैत ज्ञान कहते हैं। एक वैष्णव श्री विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टक में लिखा है, छक्ष धरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भावतैव साधि किन्तु पखोरिया प्रियये पताशा वंदी श्री चरणारविंदम। गुरु का सम्मान परमेश्वर के ही सम्मान किया जाता है क्योंकि वे श्री भगवान के परम विश्वसनीय सेवक होते हैं। इसे सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने स्वीकार किया है और सभी विद्वानों ने इसका पालन किया है। अतः मैं श्रीहरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। परम वैष्णव गुरु होते हैं और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न होते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे। जब उनके कुछ शिष्य उनसे इसके बजाय श्री कृष्ण के नाम लेने को कहने लगे तो वे इन शिष्यों पर अत्यंत रुष्ट हो गए। इस घटना को लेकर इतना विवाद हो गया कि इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे अतः गोपियों या श्री भगवान के भक्तों की पूजा श्री भगवान की भक्ति के ही समान है। श्री भगवान ने स्वयं भी कहा है कि उनके भक्तों की भक्ति करना उनके प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है। कभी कभी सहजिया भक्त अन्य भक्तों के कार्यकलाप को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत लीलाओं में ही रुचि रखते हैं। ऐसा भक्त उच्च स्तरीय नहीं होता। जो भक्त तथा श्री भगवान के समान स्तर यानी पद पर देखता है वही आगे उन्नति किया हुआ होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगति पतिहि वैश्यः पठन विटपतिहि शात शूद्रः सत्तमताम इया। मेरे साथ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगति पतिहि वैश्यः पठन विटपतिहि जात शूद्रः सत्तमताम इया। शब्द है ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त हुआ राजन्य राजसी जगति पति ही संसार का राजा वैश्य वैश्यवर्ण पठन पढ़ने से विटपति ही पशुओं का स्वामी स्यात हो जाता है। शूद्र श्रमिक वर्ग सत्तम ताम महाभक्त का पद याद प्राप्त करता है। यदि कोई पृथ्वी महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वो ब्राह्मण है आप समझ सकते हैं ना ब्राह्मण सतोगुणी ब्राह्मण का बेटा नहीं जरूरी नहीं है हो सकता वो भी हो जो सतोगुणी हो जिसमें ज्ञान है वो ब्राह्मण के गुण आप लोगों को पता है। यदि वो ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वो क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वो वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। यदि वह शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। मेरे साथ यदि कोई पृथ्वी महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वो ब्राह्मण है तो क्या बन जाता है ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वो क्षत्रिय है प्रथम महाराज के गुणों को सुनने वाला अगर क्षत्रिय है तो वो संसार का राजा बन जाता है। यदि वो वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि वो शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है।
तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी, हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि अपनी स्थिति का ध्यान न करते हुए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए, चाहे मनुष्य अकाम हो या सकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, उसे भगवान की पूजा और उनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होती है। भक्ति योग विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य सिद्ध हो सकता है। इस श्लोक में ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों का उल्लेख है, किंतु यह समझना आवश्यक है कि हाँ, इन चारों का उल्लेख उन कुलों में ही उत्पन्न लोगों से है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अंतिम रूप से उद्देश्य नहीं है, उसमें ब्राह्मण की शक्ति होनी चाहिए जिसे ब्रह्म तेज कहते हैं। इसी प्रकार राज परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं, उसमें संसार में शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार वैश्य के रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं, उसके पास हजारों पशु गायें होनी चाहिए और उसे उन वैश्यों के ऊपर शासन करने योग्य होना चाहिए, जैसा कि वृंदावन में नंद महाराज ने किया। नंद महाराज वैश्य थे जिनके पास 900,000 गायें थी और उन्हें अनेक गोपों तथा ग्वाल बालों के ऊपर शासन करते थे। शूद्रकुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने तथा भगवान एवं भक्तों की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मणों से भी बड़ा बन सकता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बन सकता है ब्राह्मणों से बड़ा? क्या होता है वैष्णव? इदम आकर्ण्य नरो नारी अथवा धृता अप्रजः प्रजतमो जतमो निर्धनो धनवत्तमः। गरीब धनवान हो जाएगा। देखिए मेरे साथ पढ़िए, त्रिहे कृत्व इदम आकर्ण्य नरो नारी, क्योंकि य है उसके ऊपर रो पड़ा है, मैं उसको रो में डाल दूं तो उसकी य की जगह ओ आ जाएगा। नरो नारी अथवा आद्रता, अप्रजः सुप्रजतमो, निर्धनो धनवत्तमः। शब्दार्थ है तीन बार कृत्वा उच्चारण करके, इदम यह आकर्ण सुनकर, नरः पुरुष नारी स्त्री अथवा या आदरता समादरित, अप्रजः संतानहीन, सुप्रजतमः अनेक संतानों वाला, निर्धना गरीब, धनवत धनी, तमः सर्वाधिक। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पुरुष के इस वृतांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, और यदि निसंतान है तो संतान युक्त हो जाएगा, यदि निर्धन है वो धनवान बन जाता है। मेरे साथ पढ़िए, चाहे नर हो या नारी, चाहे नर हो या नारी, नारी। जो भी भगवान, जो भी महाराज, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृतांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, तो संतान और यदि निर्धन है तो, और यदि निर्धन हो धनवान बन जाता है, वो धनवान बन जाता है, धनवान बन जाता है। हाँ, ये मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं, ये इतना इफेक्टिव है श्रद्धा से इसने ये किया। तो तात्पर्य माता,
हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भौतिकतावादी व्यक्ति जिन्हें धन तथा परिवार अत्यंत प्रिय है, विशेष रूप से देवी दुर्गा, शिव जी तथा ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं जिससे उनके मनोरथ पूरे हों। ऐसे व्यक्ति शी ऐश्वर्य प्रजेप्सवाह कहलाते हैं। शी का अर्थ है सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है धन, प्रजा का अर्थ है संतानें तथा ईप्सव का अर्थ है इक्षुक। जैसा कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के वरदानों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी होती है, किंतु यहाँ ये कहा गया है कि पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनने मात्र से विपुल धन तथा संतान दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन तथा कार्यों को केवल पढ़ना और समझना होता है। यहाँ इस बात की सलाह दी जाती है कि मनुष्य उन्हें कम से कम 3 बार पढ़े और दीन है और समझना होता है। यहाँ पढ़े जो दीन है वे भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में सुनने से इतना लाभ प्राप्त करेंगे कि उन्हें अन्य देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस श्लोक का सुप्रज्ञतमा अनेक बच्चों से घिरा हुआ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है कि किसी के अनेक संतानें हों किंतु उनमें से एक भी योग्य ना निकले। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि इस प्रकार से प्राप्त सारी संतानें योग्य रूप से शिक्षित, धनी, सुंदर तथा बलशाली होंगी। यह आपके पास एक तरीका है कि देवताओं की पूजा करने के बजाय ये जो पृथु महाराज का वर्णन है इस अध्याय में, इसको 3 बार पढ़ें श्रद्धा और आदर के साथ, तो आपका सारा कल्याण होने वाला है। कौन सा? भौतिक। भौतिक मिलेगा, भौतिक जगत में आपको भौतिक चाहिए ना इंद्र तृप्ति के लिए, वो मिलेगा, ये बताया गया। 34वां श्लोक। अशुपाश्च कीर्तिः सोऽयसा मूर्खो भवति पंडितः। मूर्ख पंडित हो जाता है। इदं स्वस्ति अयनं पुंसाम अमंगल्य निवारणम्। मेरे साथ अशुपाश्च कीर्तिम सोऽयसा मूर्खो भवति पंडितः। इदं स्वस्ति अयनम् पुंसाम सॉरी इदं स्वस्ति अयनम् पुंसाम अमंगल्य निवारणम्। शब्दार्थ है अस्पष्ट कीर्ति जिसका यश प्रकट न हो, सुयशा अत्यंत प्रसिद्ध, मूर्खा निरक्षर, भवति हो जाता है पंडितः विद्वान। इदम यह स्वस्ति अयनम कल्याण, पुंसा मनुष्य का अमंगल्य अशुभ निवारण दूर करने वाला। जो इस वृतांत को 3 बार सुनता है यदि वो समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, यदि निरक्षर है तो वह विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्द में पृथु महाराज का वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। मेरे साथ पढ़िए, जो इस वृतांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा। और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि महाराज का वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि
वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। तात्पर्य माता जी, सुशील प्रभु जी, हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी, अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ सम्मान तथा ख्याति चाहता है। विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उसके भक्त की संगत में रहने के कारण मनुष्य सब प्रकार से बहुत सरलता से ऐश्वर्यवान हो सकता है। भक्ति करने तथा उपदेश देने से मनुष्य प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बन सकता है, भले ही समाज में उसका मान ना हो। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, केवल श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता को सुनकर वो समाज में महान पंडित स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इन ग्रंथों में श्री भगवान तथा उसके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। ये भौतिक जगत पग पग पर विपत्तियों से भरा हुआ है, किंतु भक्त को इसका डर नहीं रह जाता, क्योंकि भक्ति में सेवा इतनी कल्याणकारी है, ये समस्त दुर्भाग्य का प्रतिकार स्वतः कर देती है। क्योंकि महाराज, प्रथु के विषय में सुनना अर्थात श्रवणम भक्ति के कार्यों में से एक है, अतः स्वाभाविक है कि उसके सुनने से सौभाग्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक श्लोक और कर लेते हैं, सुनने मात्र से इतना अच्छा है। दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा कि अगर उसको भी आप सुबह शाम अगर उसका श्रवण करते हैं या पठन करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो भागवतम इतनी अच्छी है, हम भक्ति करें लेकिन भौतिक सुख अपने आप मिलता जाएगा आपको। धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमल अपहम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम अभीप्सुभिः श्रद्धया एतद् अनुशाप्यम चतुर्णाम कारणम परम। मेरे साथ, धन्यम यशस्यम आयुष्यम वर्गम कलिमल अपहम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम अभीप्सुभिः तद्या एतद् अनुशाप्यम चतुर्णाम कारणम परम। शब्दार्थ, धन्यम धन का साधन, यशस्यम यश का स्रोत, आयुष्यम दीर्घ जीवन का स्रोत, स्वर्गम दीर्घ जीवन का स्रोत भी है, स्वर्गम स्वर्ग जाने का साधन, कली कलयुग में, मल अपहम कलमस को घटाने वाला, धर्म धर्म अर्थ आर्थिक विकास, काम इंद्र तृप्ति, मोक्षाणाम मोक्ष का, सम्यक पूर्णतया, सिद्धिम सिद्धि, अभीप्सुभिः इच्छकों के द्वारा, श्रद्धया अत्यंत श्रद्धा से, एतद् यह चरित्र अनुशाप्यम सुना जाना चाहिए, चतुर्णाम चारों कारणम कारणों का परम 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 है चरम। पृथ्वी महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि को बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कलमशों का नाश कर सकता है, साथ ही वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तु में रुचि रखते हैं वे पृथ्वी महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें तथा सुनें। मेरे साथ पढ़िए, पृथ्वी महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, मनुष्य महान बन सकते हैं, अपनी जीवन अवधि बढ़ा सकता है,
अपनी जीवन अवधि बढ़ा सकता है। हाँ आप करेंगे भगवान सैंक्शन कर देंगे, स्वर्ग को जा सकता है, और इस कलिकाल के कलमशों का नाश कर सकता है, और इस कलिकाल के कलमशों का नाश कर सकता है। साथ ही वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के हेतु में उन्नति ला सकता है, अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तु में रुचि रखते हैं, वे पृथ्वी महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें तथा सुने। पृथ्वी महाराज के जीवन देखिए ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, क्यों इतना जो पढ़ेगा, तीन बार पृथ्वी महाराज का चरित्र पढ़ेगा तो भगवान का भक्त भी बन जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अखिलेश कुमार जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई भी पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों को पढ़कर तथा सुनकर स्वाभाविक तौर पर भक्त बन जाता है, और जो ही वे भक्त बन जाता है उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत 2.3.10 में संस्तुति की गई है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी त्रिवेण भक्ति योगेन यचेत पुरुषम परम। यदि मनुष्य भगवान के धाम वापस जाना चाहता है या शुद्ध अकाम भक्त बनना चाहता है या कुछ भौतिक संपत्ति चाहता है, सकाम या सर्व काम, या फिर परम ब्रह्मा के तेज में लीन होना चाहता है मोक्ष काम, तो उसे भक्ति योग साधने तथा भगवान विष्णु या उनके भक्त के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने की सलाह दी जाती है। वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है। वेदश्च सर्वेर सर्वेरः सर्वेरः एव वैद्यः। भगवद गीता 15.15 वैदिक ज्ञान का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों को समझना है। जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, हम उनके भक्तों की भी बात करते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं, वे कभी भी निर्विशेष या शून्य नहीं हैं। कृष्ण विशेष से पूर्ण सविशेष है, और जो ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो शून्य के लिए स्थान ही नहीं रह पाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। सही, बहुत ही अच्छा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आपके जीभ कितनी शुद्ध हो गई माता जी, इतना अच्छा आपने पढ़ा। क्या कृष्ण विशेष रूप से पूर्ण हैं, और जो ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो शून्य के लिए स्थान नहीं रह पाता। बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकय चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाद सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।